नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइमिंग ट्रेड्स में। दोस्तों, अगर आप कॉल या पुट ऑप्शन बायर हैं, आप बाय करते हो, सेल करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉल या पुट ऑप्शन बाय करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको उस ट्रेड में, जो ट्रेड आपने ली है, एग्जीक्यूट की है, उसमें आपको कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस हो सकता है। ये सब जानने के लिए हमारे पास सेंसिबल या उसके जैसी कोई और ऐप होनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा समय ना लगाते हुए दोस्तों, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पे हम किस तरीके से सेंसिबल ऐप में अपना लॉस और प्रॉफिट जान सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया सेंसिबल। अभी हम इसमें सिंपली क्या करके देखेंगे, स्ट्रेटेजी बिल्डर करके देखेंगे। स्ट्रेटेजी हम बना के देख लेते हैं। तो ये हमारा तीन पार्ट्स में देखो डिवाइड है, एक दो इन द मनी है, एक ऐट द मनी है, एक आउट ऑफ द मनी है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट एक्सपायरी डेट जो है हमारी 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, कभी भी अगर आप ट्रेड लेते हो, आप कॉल बाय करते हो या कॉल ये पुट बाय करते हो, तो आपको कभी भी आउट ऑफ द मनी कॉल नहीं पिक करनी चाहिए। हमेशा करो तो ऐट द मनी या फिर इन द मनी। मैं कभी भी कॉल बाय करता हूँ तो इन द मनी या फिर ऐट द मनी बाय करता हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ, मेरा ओपिनियन क्या है, कॉल। मेरा ओपिनियन है कि मार्केट आज अप जाएगी, तो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। 17,550 की 130 की कॉल ये मिल रही है। मैंने एक कॉल अपनी ये बाय कर ली। क्वांटिटी रहेगी वो अपना, एक क्वांटिटी 25 उसकी है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, समरी में हम आके चेक कर लेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट एट एक्सपायरी क्या दिखा रहा है, अनलिमिटेड। सही बात है, हमारी अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाएगी, जितनी अप जाएगी हमारा प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी मार्केट का करंट प्राइस क्या दिखा रहा है, 17,602 लाइव मार्केट चल रही है आपके सामने। तो सपोज़ ये जैसे आगे बढ़ेगी तो देखना, हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रॉफिट जो नीचे शो कर रहा है 47 रुपीज़, तो ये हमारा बढ़ के जितनी भी मार्केट ऊपर जाएगी उतना हमारा ये बढ़ जाएगा। देखो 63 हो गया। तो इस तरीके से मैक्स लॉस एट एक्सपायरी ये कितना दिखा रहा है, 6,660 का हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जो एक कॉल बाय की है, मैक्सिमम लॉस हमारा वो ही है, जितना हमने प्रीमियम पे किया है वो हमारा पूरा का पूरा लॉस हो सकता है। अगर हमारे एक्सपायरी वाले दिन हमारे जो कॉल बाय की है हमने, वो अपने ब्रेक इवन से ऊपर ना जाए, तो हमारा पूरा का पूरा लॉस हो सकता है दोस्तों। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड, इसमें अभी शो नहीं कर रहा है डेटा। तो ब्रेक इवन इसका देखो क्या रहा है, 17,682। इसका मतलब क्या है, जब हमारी मार्केट 17,682 के ऊपर अगर क्लोज करती है अपसाइड, तो हमारा प्रॉफिट निश्चित है, हमें प्रॉफिट होगा ही होगा। और अगर हमारी 17,682 के नीचे कहीं भी मार्केट क्लोज होती है, तो हमारा मैक्सिमम पूरा लॉस हो सकता है। अभी ये दिखा रहा है नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 38%। लेकिन इस पे मत जाओ, क्या पता मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। तो ये दिखा रहा है रिटर्न कितना दिखा रहा है, 0.57। फंड नीडेड 6,675 हमारा फंड लगेगा ये एक कॉल बाय करने के लिए, और मार्जिन नीडेड वही 6,675, हमें एक कॉल बाय करने के लिए इतना पैसा इसको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं हमारा कितना इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होने की। तो ये सब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हैज करना चाहते हो, अपने मान लो सपोज एक कॉल बाय की हुई है, आप इसको हैज करोगे एक कॉल सेल करके। तो मैं एक आपको यहीं पे ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने एक कॉल बाय की है, तो मैं क्या करूँगा, एक थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी, सपोज़ मैं 18,000 की एक कॉल को सेल कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारी ये प्रॉफिट क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा एक डिफाइन हो गया, 16,000 तक का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मैक्सिमम लॉस हमारा 6,557 का होगा, चाहे मार्केट हमारी कितनी भी डाउन हो जाए, मार्केट बेशक क्रैश हो जाए, इससे ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होने वाला है। ये क्यों दोस्तों, क्योंकि हमने अब अपनी कॉल को हैज कर लिया है। अब इसका ब्रेक इवन क्या आ गया, 17,681, थोड़ा सा कम हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 39%। अब हमें क्या चाहिए, फ़ंड हमारा अब लगेगा ज़्यादा, अब हमारा 25,000 के करीब हमें फ़ंड इसको देना पड़ेगा, तभी हम ये दोनों इसको हैज कर सकते हैं।
तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हमें पता लग गया कि हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। अब डायरेक्ट आप इसको यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, या फिर इस ऐप के थ्रू आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो। सपोज़ आप अभी नई नई पैसा लगाना चाह रहे, नहीं है आपके अकाउंट में इसमें पैसा ज़ीरोधा में, तो आप यहीं से वर्चुअल ट्रेड पर अगर क्लिक करोगे, आप इसको क्रिएट न्यू कुछ भी नाम दे दो। मान लो मैंने नाम दे दिया कॉल बाय 13th ऑफ अप्रैल, ठीक है। स्ट्रेटजी नेम क्या है? हेजिंग। हम यहाँ स्ट्रेटजी नेम दे देते हैं कॉल बाय, ठीक है। ये कंफर्म कर दो। अब हम अपना ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये ट्रेड किस तरीके से काम कर रहा है। अभी हमें क्या दिखा रहा है? अर्न PNL 17,000, टोटल PNL, प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करके देख लेते हैं इसको। आप सीधा यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बिल्डर ये वर्चुअल ट्रेड पे क्लिक करोगे तो हमारा यहाँ पे दिखा देगा हमारा टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। 18 रुपये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी कोई भी वर्चुअल ट्रेड ले सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टिंग। तो हमें कोई यहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है, बस हम अपना एक जैसे पेपर ट्रेडिंग होती है उस तरीके से हम ये करके देख रहे हैं कि हमारा जो ओपिनियन है, हम किस तरीके से कॉल बाय करते हैं, उसको हैज कैसे करते हैं। और एंड में आके अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि 13 तारीख को अगर मार्केट हमारी ऊपर गई या नीचे आई, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ।